नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक प्लांट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं नोकिया के स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूं, जो कि नोकिया 4.2 होने वाला है। दोस्तों जानेंगे आज की इस वीडियो में इसकी प्राइस के बारे में, इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में और इंडिया में किस प्राइस तक ये लॉन्च हो सकता है। तो सारी डिटेल्स दूंगा आज की इस वीडियो में, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों नोकिया ने अपने बहुत सारे स्मार्टफोन 2019 MWC में लॉन्च किए हैं बार्सिलोना में, जिसमें कि नोकिया का 9 है और नोकिया 3.2 है और साथ ही साथ नोकिया का 4.2 है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको नोकिया के 4.2 के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है और काफ़ी मतलब बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन है, तो लास्ट में मैं इसके प्राइस भी आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों थोड़ी सी नज़र डालते हैं हम नोकिया के 4.2 के स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों इसमें आपको एवरेज स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है, क्योंकि एक बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन है। दोस्तों नोकिया 4.2 के फ्रंट और बैक पैनल में आपको 2.5D ग्लास देखने को मिलता है, जो कि गोरिल्ला ग्लास है, और यानी कि इसकी बॉडी आपको ग्लास बैक के साथ देखने को मिल जाती है, जो कि दिखने में काफ़ी कलरफुल बॉडी और प्रीमियम लुक जो है आपको देखने को मिलती है इस स्मार्टफोन में। दोस्तों नोकिया 4.2 आपको पिंक सेंट और ब्लैक रंग में भी देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ इसकी फ्रेम जो है पॉलीकार्बोनिक की देखने को मिलती है आपको, जो कि मतलब डिफरेंट कलर्स में, मल्टी कलर्स में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी सुंदर है दिखने में। और बात करें अगर इसके डिस्प्ले की, तो उसमें आपको 5.7 इंच का जो है HD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसके एक्सपेक्टेशन 19.9 है, यानी कि इसमें आपको नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें छोटा सा नॉच देखने को मिलेगा आपको, यानी कि ये इन्फिनिटी डिस्प्ले होने वाला है, इसमें आपको बेजल्स बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको इसके डिस्प्ले के ऊपर 2.5D ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, जो कि गोरिल्ला ग्लास है, जिससे कि आपके स्मार्टफोन की डिस्प्ले टूटने का भी खतरा नहीं रहता। और साथ ही साथ दोस्तों हैंडसेट में आपको ऑक्टाकोर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 439 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मल प्रोसेसर है, और साथ ही साथ इसमें आपको 2GB की रैम देखने को मिल जाएगी और 16GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, और इसका जो दूसरा वेरियंट होगा उसमें 3GB की रैम देखने को मिल जाएगी और 32GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। और जो बड़ा वेरिएंट है, यानी कि जो 3GB और 32GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है, उसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है, और छोटे वेरिएंट में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको माइक्रोSD कार्ड का भी स्लॉट देखने को मिलता है, यानी कि 400GB तक का आप इसमें माइक्रोSD कार्ड भी लगा सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अदर स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो नोकिया 4.2 में आपको पिछले से फिर 2 कैमराज देखने को मिलते हैं, यानी कि डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। दोस्तों प्राइमरी सेंसर जो है वो 13 मेगापिक्सल का होने वाला है, जो कि ऑटोफोकस लेंस के साथ आने वाला है, जिसका अपर्चर 2.2 होने वाला है। और साथ ही साथ जो दूसरा कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है आपको रियर साइड पे। और सेल्फी कैमरे की बात करें, तो दोस्तों इसमें आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। दोस्तों नोकिया 4.2 के दोनों ही वेरियंट्स में आपको फेस अनलॉक का भी फीचर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, यानी कि आपको इसमें डबल सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है। तो इस स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉयड 9.0 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, और साथ ही साथ एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम पे ये काम करता हुआ नज़र आ जाएगा आपको, यानी कि आपको सिक्योरिटी अपडेट्स और OS अपग्रेड लगातार नोकिया की तरफ से मिलते रहेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और सिक्योरिटी के मामले में ये स्मार्टफोन काफ़ी बेस्ट है। और साथ ही साथ इसमें आपको स्मूथ गूगल का UI देखने को मिलता है, यानी कि आपको इसमें स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिल जाएगा। और बात करें इसकी बैटरी की, तो इसमें आपको 3000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि एक नॉर्मल बैटरी है, और कम से कम आपका एक दिन इस बैटरी से चल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आपको नोकिया 4.2 में कनेक्टिविटी के लिए NFC और माइक्रो USB जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 3.5mm ऑडियो जैक का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और साथ ही साथ 4G वोल्टेज भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये कुछ स्पेसिफिकेशन थे नोकिया 4.2 के, जो कि एक बजट स्मार्टफोन है, और बजट स्मार्टफोन होने की वजह से इसमें आपको स्पेसिफिकेशन भी बजट स्मार्टफोन की तरह ही देखने को मिलते हैं नॉर्मल, यानी कि जो सस्ता स्मार्टफोन लेना चाहते हैं नोकिया का और नोकिया के फ़ैन भी हैं, तो उनके लिए ये स्मार्टफोन काफ़ी बेटर है, क्योंकि ये बजट स्मार्टफोन है, और बजट के हिसाब से जो भी स्पेसिफिकेशन है नोकिया ने प्रोवाइड की है, उसके हिसाब से ये स्पेसिफिकेशन हालांकि ठीक ही है। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो क्या इसकी ग्लोबली प्राइस रही है। दोस्तों नोकिया 4.2 का जो 2GB और 16GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है, उसकी प्राइसिंग जो ग्लोबली में रखी गई है वो $169 रखी गई है, यानी कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट की जाए तो 12,000 बनती है। और साथ ही साथ 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट है, उसकी प्राइसिंग जो है $199 रखी गई है, यानी कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट की जाए तो 14,200 रुपये बनती है। दोस्तों इस प्राइस पे जो है नोकिया 4.2 लॉन्च हुआ है ग्लोबली,
हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि इंडिया में नोकिया क्या प्राइस रखता है। कंपटीशन के हिसाब से शायद नोकिया इंडिया में कम प्राइस रखेगा। तो ये था नोकिया 4.2। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा ऐसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।